व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप लोगों ने कल मुझे पूरी उम्मीद है, और आज भी आधा दिन हो गया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है स्टाफिंग और डायरेक्टिंग पूरा कर लिया होगा। आज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, बहुत 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 महत्वपूर्ण, और हमें आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मार्केट्स पूरा करना है। तो मैनेजमेंट मार्केट्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्या पहले करना है क्या बाद में, वो मैं आपको बताने वाला हूं। जल्दी से फटाफट से इस वीडियो को देखो और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मार्केट्स शुरू करो। आइए, अब कैसे स्टार्ट करना है, लेट्स बिगिन। तो गाइस, सबसे पहले आप शुरुआत करना फाइनेंशियल मार्केट्स के साथ। जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मार्केट्स का वन शॉट है, वो मैं आपको इवनिंग तक दे दूंगा, 5:30-6 बजे तक। उससे पहले आप अलग अलग वीडियोस में जाके देख सकते हो, वन शॉट में आपको इवनिंग में दे दूंगा, रिवीजन कर लेना। मार्केट्स के साथ शुरू करना, और मार्केट्स में सबसे पहले प्रिपेयर कर लेना सेबी, ठीक है। जो सबसे पहला काम होना चाहिए, पहला सवाल जहां से आप शुरू करो, वो सेबी होना चाहिए। सेबी के सारे फंक्शंस बहुत अच्छे से, चाहे वो प्रोटेक्टिव हो, चाहे वो डेवलपमेंटल हो, चाहे वो रेगुलेटरी हो, मैंने पूरी चीज़ें बताई हैं, वन शॉट में आपको थोड़ी देर में दे रहा हूँ, बट उससे पहले आप सेबी के फंक्शंस कर सकते हो। सेबी के फंक्शंस करना, उसके बाद आप करना डिफरेंस, किस किस के अंदर, डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, ये करना, ठीक है। आपको यहां से इसका चारों ही मार्केट्स का ओवरव्यू आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप करना तीसरे नंबर पे, तीसरा सवाल करना इंस्ट्रूमेंट्स इन मनी मार्केट्स। मनी मार्केट्स के इंस्ट्रूमेंट्स करना, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स इन मनी मार्केट्स। उसके बाद चौथे नंबर पे क्या करोगे, ट्रेडिंग प्रोसीजर इन स्टॉक एक्सचेंज एंड फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पहले ये चार सवाल करने हैं आपको, जब ये चार हो जाएं, उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड आना बचे हुए टॉपिक्स पे। पहले 1, 2, 3, 4, ये 4 क्वेश्चंस करने के बाद फिर बचे हुए क्वेश्चंस पे आ जाना, ठीक है। फिर आ जाना फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे, सबसे पहले क्या करोगे गाइस, इसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे पहले करना कैपिटल स्ट्रक्चर और फैक्टर्स, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। उसके बाद आप करना डिसीजंस, तीनों डिसीजंस बहुत अच्छे से आपको करने हैं, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन। उसके बाद तीसरे नंबर पर करना फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। और सबसे लास्ट में क्या करोगे, सबसे लास्ट में करना फाइनेंशियल लिवरेज, ये चौथे नंबर पे करना, ये पहले पे, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे, फाइनेंशियल लिवरेज एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। चार सवाल यहां से, तो चार और चार, ये 8 सवाल आपको फटाफट करने हैं, उसके बाद फिर बचा हुआ चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो इतना आप लोग शुरू करो पढ़ना, बड़े ध्यान से फटाफट से शुरू करो इसको पढ़ना, और इसको कंप्लीट करके इतने में आपको वन शॉट देता हूं, और फिर दोनों ही चैप्टर्स की केस स्टडीज देता हूं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो मोस्ट ऑफ यू विल बी इग्नोरिंग, आप इग्नोर कर रहे होगे, वो देता हूं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज कवर करेंगे, 40 में से 40 लेंगे। कल हम लोगों ने कवर कर दिए थे हमारे स्टाफिंग डायरेक्टिंग, आज हम लोग कवर कर देंगे मैनेजमेंट मार्केट,
कंट्रोलिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन मैंने आपको पहले करने को बोला था, सो दैट मैं आपको अब दो दिन में बहुत सारी चीजें करा पाऊँ अगले वाले, बट अगर आपने नहीं करा तो फिर ठीक है यार क्या करें, तुम सुनते नहीं हो तो कल करना पड़ेगा कंट्रोलिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन, फिर कल करना पहले, लेकिन फटाफट कर लेना। इसीलिए तो पहले बोला था, अब जिन्होंने कर लिया होगा मैं उनको बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ, जिन्होंने नहीं करा वो अब पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन और कंट्रोलिंग करेंगे, यही तो बेनिफिट्स होते हैं पहले करने के। बट कोई बात नहीं यार, चिंता नहीं करनी है, कल हो सकता है कल वो करेंगे, फिर तुम्हें बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें बताऊंगा जो अभी तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, बट तुम्हें 40 में से 40 लाने में बहुत मदद करेगी। तो जाओ जल्दी से फटाफट से ये इस प्रकार से करना शुरू करो। मैं इतने तुम्हारे लिए वन शॉट अरेंज करता हूँ और केस स्टडीज अरेंज करता हूँ मैनेजमेंट की और मार्केट की। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, और जी जान लगा देना यार, 40 नंबर लाने हैं तो लाने हैं। असाइनमेंट शीट शाम को दूंगा। ऑल द बेस्ट।